नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों का भाग तीसरा, और इसमें हम लगभग 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण से होती है? जल में जो स्थायी कठोरता होती है वह किसकी उपस्थिति के कारण से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण से जल में स्थायी कठोरता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट से होती है जल में स्थायी कठोरता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? ऑप्शन है माइका, क्वार्ट्स, सिलिका या सोडियम बोरेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिका होता है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? गर्म शीशे को धीरे धीरे से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए कहा जाता है एनीलिंग्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एनीलिंग कहा जाता है गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जो होती है वह फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? तो किसकी होती है? तो वह क्लोरीन की होती है। ठीक है, क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वह फास्फोरस के परमाणु संख्या से अधिक होती है, बाकी की एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक होती है? अब देखिए, नियॉन की तुलना में किसकी अधिक होती है परमाणु संख्या? तो इसका राइट आंसर है वह मैग्नीशियम की होती है। मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है वह नियॉन के परमाणु संख्या से अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जो है जो आयरन की तुलना में अधिक होती है, यानी कि आयरन से अधिक परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कोबाल्ट। कोबाल्ट की जो परमाणु संख्या होती है वह किससे? आयरन के परमाणु संख्या से अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ऑप्शन है, यह जल में अम्लीय है, यह जल में गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है, या फिर ऑप्शन डी है कि इनके जलीय विघटन में लाल लटमत नीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अमोनिया एक गुण है जो कि इसके अमोनिया का जो गुण होता है इसके जो जलीय विलयन होता है उसमें लाल जो लटमत पत्र होता है वह कैसा नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नाइट्रेट अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? नाइट्रिक जो अम्ल होता है वह किसके साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है? ऑप्शन है स्वर्ण, तांबा, जस्ता या फिर लोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर्ण के साथ नाइट्रिक अम्ल कोई भी अभिक्रिया नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया आयरन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण रहता है? तो उसका सही आंसर है उसमें साद्र, यानी कि HNO3 और HCl का रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, HNO3 और HCl का रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा
सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वह है लोहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वह है लोहा है जो का दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे लोह अयस्क है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मैग्नेटाइट जो है यह कैसा है, यह लोह अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आगे, मैग्नेटाइट खालिस्तान मैग्नेटाइट है यानी मैग्नेटाइट इनमें से कौन है? तो उसका राइट आंसर है मैग्नेटाइट है Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्न में से क्या पानी में घुलनशील होता है? निम्नलिखित में से क्या पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह पानी में घुलनशील होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी इसका रासायनिक नाम क्या होता है? मूर्ति बनाने के लिए भी इसका जो रासायनिक नाम होता है वह क्या कहा जाता है? तो उसके लिए कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा एक लवण है जो कि मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव की मात्रा में सर्वाधिक कौन सा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है मानव की हड्डियों में सर्वाधिक। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या कैल्शियम। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी मैग्नीज जो है यह क्या है, यह संक्रमण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अपना कि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उसका राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है वह हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या कहलाती हैं? रेडियो एक्टिव सामग्री जो उत्सर्जित बीटा किरणें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनके लिए कहा जाता है केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को रेडियो एक्टिव बीटा किरणें कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर गामा किरणें किससे बनी होती हैं? गामा किरणें जो होती हैं वह किसकी बनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें जो होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अपना कि किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो इससे होता है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कि ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ठीक है, ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है, तो आप इसको बताइए। तो अभिकथन यहाँ पर है कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनती है। सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर मौत का कारण बनता है, यह क्या हो गया? अभिकथन हो गया। अब कारण यहाँ पर दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड
हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। कार्बन मोनोक्साइड जो होता है वह हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं चार, जिसमें है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है अपना कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वह ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और जो आर है यानी दूसरा पॉइंट है वह ए की उचित व्याख्या करता है। यानी जो कथन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर मौत का कारण बनती है, तो इसका कारण यह है कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है वह किन हेमोग्लोबिन में मिल जाती है जिस कारण से मौत हो जाती है। तो इसका दोनों यह कथन भी सही है और कथन का जो कारण दिया है यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है। निम्नलिखित किस्मों में से कौन सी एक किस्म जो है जो कि कोयले की किस्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डोनोमाइट। डोनोमाइट जो है यह किसकी, यह लोहे की किस्म नहीं कहलाती। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा होता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मिथाइल आइसोसाइनेट था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि एम्पो पोलिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। एम्पोटेरिक जो पदार्थ होता है वह किस रूप में क्रिया करता है, तो इसका सही आंसर है वह अम्ल और क्षार दोनों ही प्रकार की क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अम्ल और क्षार दोनों क्रियाएं करता है। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाता है। यदि एक पदार्थ का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है तो उसके लिए क्या माना जाता है, तो इसका सही आंसर है उसके लिए माना जाती है एसिड या तेजाब माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एसिड या तेजाब माना जाता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5.5 या इससे कम जो वर्षा होती है उसके लिए अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है या फिर इससे कम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर क्यों हो जाता है। पानी का जो क्वथनांक होता है वह ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, तो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण पानी का क्वथनांक भी कैसा कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न अपना यहाँ पर कि बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, तो बारूद बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। गन का जो पाउडर है वह किस मिश्रण से बनाया जाता है, तो वह चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से गन पाउडर का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो इसका सही आंसर है उससे निकाली जाती है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मैग्नीशियम जो धातु होती है वह समुद्र की जल या पानी से निकाली जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इसमें 6×10^23 परमाणु नहीं है। इनमें 6×10^23 परमाणु नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 6 ग्राम कार्बन। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सोडियम 23 के 46 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सोडियम 23 के 46 ग्राम में परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। उनमें होती है 2 न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 2 N होती है। यानी N बराबर क्या दिया, तो N बराबर इसमें दिया है अवोगाड्रो नियामक, यानी 2 N दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप पर कि पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। पदार्थ का परमाणिक जो सिद्धांत है वह किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका राइट आंसर है यह चार्ल्स डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि किसी परमाणु के लिए प्लम बुडिंग्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। किसी परमाणु के लिए प्लम बुडिंग मॉडल जो है वह किसके लिए दिया गया था, तो यह दिया गया था जे थॉमसन महोदय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। खाने वाले सामान्य नमक की जो रासायनिक नाम होती है वह क्या कहलाती है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा DDT से संबंधित सच है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच जो कि DDT से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यह एक संपर्क टीकाकरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यह एक संपर्क टीकाकरण है DDT। अगला प्रश्न अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर कि हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन अंक सदैव शून्य होता है, यह कैसा है, गलत है। ऑप्शन बी है कि हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन अंक सदैव 1+ होता है, यह भी कैसा है, गलत है। ऑप्शन सी है यहाँ पर कि हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन अंक सदैव 1- रहता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी है कि हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीजन अंक हो सकते हैं, तो यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आक्सी कारक एजेंट क्या होता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आक्सी कारक एजेंट क्या होता है, तो आक्सी कारक एजेंट होता है फ्लोरीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फ्लोरीन होता है सबसे प्रबल आक्सी कारक एजेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है, तो अपचायी अभिक्रिया है ऑप्शन सी, यानी कि 2HGO है जो कि ऊष्मा से 2HGO A+O2 लगती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यह क्या है, यह एक अपचायी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि खालिस्तान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यधिक कम तापमान में ठंडा करने से प्राप्त होती है, उसके लिए क्या कहा जाता है। तो वह है बोर आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, बोर आइंस्टीन घनीभूत वह पदार्थ है जो उन अवस्थाओं में से एक है, जो बोर आइंस्टीन घनीभूत है वह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यधिक कम तापमान के तहत ठंडा करने से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बोस आइंस्टीन घनीभूत। अगला प्रश्न यहाँ पर कि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं होता है। विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण होता है जो कि मिश्रण से कम नहीं होता, तो उसका राइट आंसर है इसकी संरचना निहित होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है जो कि सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है या यौगिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि बोरोसिलिकेट
ग्लास बर्तन बर्तन का माइक्रोवेव ओपन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वायु सिलिकेट जो है भाई ग्लास बर्तन के जो माइक्रोवेव ओपन होता है उसमें प्रयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यह अत्यधिक गर्मी का प्रतिरोध करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से धातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वह है सल्फर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि ज्वालामुखी पर्वतों में से निकलने के लिए कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। उसका सही आंसर है उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ज्वालामुखियों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिसाव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन जो बम है वह किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर महोदय के द्वारा विकसित किया गया था। परमाणु रिएक्टर्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। परमाणु रिएक्टर्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एनरिको फर्मी के द्वारा परमाणु रिएक्टर्स का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो वह है समुद्री जल में क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना, यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है। ऑप्शन है लोहे का चुंबकत्व, ऑप्शन लो द्रव्यमान का संघनन, ईधर ईथर का ज्वलन, या फिर लोहे में जंग लगना। तो इसका सही आंसर है कि रासायनिक परिवर्तन को रूपित कौन करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीन और चार जो है किसको रासायनिक परिवर्तन को रूपांतरित करते हैं, यानी लोहे में जंग लगना और ईथर का जलना, यह क्या है, तो यह है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ची तीन और चार। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्ल से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने का लवण बनाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्ल से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि वह है जस्ता, जिसे क्या है जस्ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जियोलाइट जो है यह जल शोधन के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जियोलाइट। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, तो वह है ऑप्शन सी यानी कि जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है यशद पुष्प, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपना कृतंकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कृतंकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट। ऑप्शन डी है यहाँ पर कि जिंक फास्फाइट, उसका राइट आंसर है जिंक फास्फाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि ऑक्सीजन उपचय में ऑक्सीकरण में क्या है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो इसमें किसी पदार्थ के
हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं। ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ के हाइड्रोजन विस्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की जो अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो वह है फ्लोरीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है। इसका ऑक्सीकरण अंक जो है वह सदैव एक होता है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एफ। कौन है? ए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि यहाँ पर ओ एफ टू में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है +2 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, +2 होती है। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी खालिस्तान में संग्रहित की जाती है। एक घरेलू गैस सिलेंडर जो एलपीजी होती है उसमें किसी भी अवस्था की भरी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एलपीजी जो गैस होती है वह किसी भी अवस्था में भरी जाती है, यानी ठोस में भी भरी जाएगी, गैस में और तरल अवस्था में भी भरी जा सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम का गैस का जो प्रयोग है वह खाना पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि नीचे एक अभिकथन दिया है ए और उसका एक कारण आर दिया है। देखिए यहाँ पर कथन है कि घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें एलपीजी की गंध तीव्र होती है। ठीक है, यहाँ जो कथन है और जो कारण है तो आपको बताना है कि कारण और कथन क्या है। तो विकल्प यहाँ पर दी हैं कि आर और ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी है कि ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आर ए और आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ए और आर कथन यानी कि यहाँ पर जो कथन और कारण दिया है यह दोनों ही कैसे हैं, गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र है। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 होता है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? इसके क्लोराइड का सूत्र होता है MCl3 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि बोरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए खालिस्तान इलेक्ट्रॉन को खोना होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को खोना होता है? तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को खोना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है निम्न में से उसमें क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका पाया जाता है। निम्नलिखित खनिजों में से किस में एक सिलिका पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी क्वार्ट्ज में पाया जाता है सिलिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज कौन सा होता है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो कांच होता है या क्वार्ट्ज होता है वह होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि ट्रांजिस्टर बनने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, तो वह है सिलिकॉन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिलिकॉन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि
टार्नोटाइट किसका अयस्क होता है? टार्नोटाइट जो होता है भाई किसका अयस्क होता है? तो यह यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, टार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि यूरेनाइट खालिस्तान का एक अयस्क है। यूरेनाइट खालिस्तान का एक अयस्क है, तो यह किसका? यह भी एक यूरेनियम का ही अयस्क है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो होता है वह किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो वह पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पिच ब्लेड से रेडियम का प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड संबंधित है, पिच ब्लेड किससे? तो यह रेडियम से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यह किससे? रेडियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर कि रक्त कैंसर की रोकथाम के प्रयोग किए जाने वाली रेडियोसम स्थानिक कौन सी है? रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला जो रेडियोसम स्थानिक है वह है कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कोबाल्ट 60 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, कोबाल्ट 60 शरीर के आंतरिक के अणु का उपचार करता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है कि आयोडीन 331 थायराइड अर्बुद का उपचार करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि फास्फोरस 32 श्वेत रक्त का उपचार करता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर कि गोल्डन 198 यह रेटिना दोषों का उपचार करता है, यह क्या है? यह पूरी तरह से गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा अपने क्वेश्चन का। अगला प्रश्न यहाँ पर कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह गामा किरणों का उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि नीचे एक अभिकथन और ए और आर कारण दिया है, तो यहाँ पर बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से ध्रुवीय जो बर्फ है वह पिघल जाएगा। इसका कारण है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो इसका यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए आर और ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन अपना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के ध्रुवीय जो बर्फ है वह पिघल जाएगा। इसका सही कारण है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण से चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण से चूने का जो पानी होता है वह वायु या हवा में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा मिली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। धातुओं का राजा क्या कहा जाता है? धातुओं का राजा किसके लिए कहा जाता है? तो सोना के लिए या गोल्ड के लिए कहा जाता है धातुओं का राजा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सोने का घोल घोला जाता है, सोने को घोला जाता है। तो यह किस में घोला जाता है? तो यह तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा एक भाग नाइट्रेट एसिड के मिश्रण में घोला जाता है सोने को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि क्विक सिल्वर का कहा जाने वाला धातु कौन सा है? क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, वह है पारा। पारा को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो वह है पारद। पारद धातु जो होती है वह कैसी तरल अवस्था में बनी रहती है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा
फोटो फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा धातु होता है जो कि फोटो फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है, तो वह है रजत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यह किसमें फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो होती है जो कि सबसे भारी होती है, तो वह है सोना। चांदी, लोहा, तांबा से सबसे भारी धातु सोना होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सोना यह स्वतंत्र रूप से अवस्था में पाई जाती है। परमाणु विखंडन खालिस्तान की प्रक्रिया पर आधारित होता है, परमाणु जो विखंडन होता है वह एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि नीचे एक कथन है जो कि और कारण दिया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर कथन है कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, परमाणु विखंडन की जो ऊर्जा होती है घटना होती है वह अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसमें कारण है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाती है और परमाणु विखंडन कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए कारण और कथन में आपको बताना है क्या क्या सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद ऑप्शन सी है कि अभिकथन और कारण दोनों गलत है, उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, परमाणु बम जो होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वह होता है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नियंत्रण नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नियंत्रण नाभिकीय विखंडन पर सिद्धांत पर आधारित होता है परमाणु बम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि NaCl में यह बंध है, NaCl यह किससे संबंधित है, तो यह है आयनिक से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि दो परमाणुओं के बीच जो बंध होती है संबंध होती है वह खालिस्तान प्रकृति अधिक होती है, और यदि उनकी जो विद्युत होती है वह ऋणात्मक का अंतर कम होती है, तो वह कौन सा, तो वह है सहसंयोजक होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अपना यहाँ पर कि ध्रुवीय संयोजक बंध पानी में पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है, क्या लगता है, तो ध्रुवीय संयोजक जो होता है वह बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि स्मोक किसका संयोजक है, स्मोक किसका एक संयोजक है, तो यह धुआं और कोहरे का संयोजक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक घोल किसकी कोला 80 बिलियन होती है, एक घोल किसकी कोलाइडी बिलियन होता है, तो इसका सही आंसर है यह द्रव में द्रव का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं होता है, तो वह है जूल का नियम, जूल का नियम यह गैसों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, किसने भारी पानी की खोज की थी, तो एच सी यूरे के द्वारा की गई थी भारी पानी की खोज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारी जल क्या कहलाता है, भारी जल क्या कहलाता है, तो यह है ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहलाता है भारी जल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारी पानी का रासायनिक संगठन क्या होता है, भारी जल या भारी पानी का जो रासायनिक संगठन या सूत्र होता है वह होता है D2O, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, D2O होता है भारी जल का रासायनिक नाम। चिली सीसा किसका सामान्य नाम होता है, चिली सीसा किसका रासायनिक नाम होता है, तो यह सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम होता है या सामान्य नाम होता है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट या चिली सीसा का सामान्य नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चिली सीसा सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक या सामान्य नाम होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।